स्विट्जरलैंड को बाहर कर दिया अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट से। हेडिंग मांगे रहा, स्विट्जरलैंड को करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट से बाहर किया गया, मुद्रा की धोखाधड़ी सूची से बाहर किया गया। अमेरिका की सूची है ये मुद्रा धोखाधड़ी की, उससे बाहर किया गया। करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट जो अमेरिका जारी करता है हर 6 महीने में, अर्धवार्षिक जारी होती है ये, इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट से बाहर कर दिया गया स्विट्जरलैंड को काफ़ी समय बाद। भारत भी शामिल था, भारत ही बाहर हो चुका है, याद रखिएगा। इससे पहले काफ़ी देश शामिल किए थे अमेरिका ने ट्रंप के समय, इसमें काफ़ी देश शामिल किए थे करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट में, एक एक करके बाहर किए जा रहे हैं। क्यों शामिल किए थे और क्यों बाहर कर दिए गए, याद रखिए। इस पर आइए बात करते हैं। करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट, एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले मेंस में आपका, 18 में आया था शायद, 18 में क्वेश्चन आया था मेंस में। क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं स्क्रीन मेंस में, हाउ वुड द रिसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन द वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये जो करेंसी मैनिपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो मुद्रा चालबाजियाँ जो हैं, इसको नाम देते मुद्रा चालबाजी, तो करेंसी मैनिपुलेशन की बात करें, ये कैसे भारत के व्यापार को हित करती हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया था करेंसी मैनिपुलेशन का 18 में ट्रंप थे जब, तब क्वेश्चन ना था ये, फिर 22 में बाहर कर दिया गया भारत को इससे, अब स्वीडन बाहर हो गया। तो याद के क्या होता है करेंसी मैनिपुलेशन, सुन लीजिए, काम का टॉपिक है ये। करेंसी मैनिपुलेशन या मुद्रा चालबाजियाँ, मुद्रा धोखाधड़ी क्या होती है एक प्रकार से। दुनिया में अमेरिका ये मानता है कि भैया अमेरिका के संग जो व्यापार करने वाले देश हैं वो अपने यहाँ क्या करते हैं, अपने अपनी करेंसी को इस प्रकार मैनिपुलेट करते हैं जिससे अमेरिका को ज़्यादा माल बेच पाए। यदि भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, अवमूल्यन समझते हैं डेप्रिसिएशन, $1 ₹60 का था, 70 का हो गया, तो क्या कहा जाएगा, क्या हो गया मेरी करेंसी, अवमूल्यन हो गया मेरी करेंसी का। यदि ऐसा हो गया तो भारत का माल निर्यात सस्ता हो जाएगा अमेरिका के लिए, हम ज़्यादा माल बेच पाएंगे अमेरिका को। जब भी अवमूल्यन होता है हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, निर्यातक उसका फायदा होता है, निर्यातक ज़्यादा माल निर्यात कर पाता है। तो अमेरिका का आरोप है कि भारत अवमूल्यन कर करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, हमारे इम्पोर्ट को खरीदने से मना कर रहा है, जिससे अमेरिका को घाटा होता है। अमेरिका ज़्यादा माल खरीदेगा कम बेचेगा तो घाटा किसको होगा, अमेरिका को। तो ये करेंसी मैनिपुलेशन का कोर कॉन्सेप्ट यही था कि देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे उनको निर्यात में फ़ायदा होता है, जिनको उसको ट्रेड में फ़ायदा होता है। तो ऐसे देशों को शामिल किया था उस लिस्ट में उसने, इसका नाम था करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट। फिर सुन लीजिए, देश अपनी डोमेस्टिक करेंसी को, अपनी अपनी जो स्थानीय मुद्रा है उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसका उसका मूल्यन करते हैं जानबूझकर, जिससे उनके निर्यात अमेरिका में सस्ते हो जाएं, अमेरिका का माल महंगा हो जाए उनके देश में, ना खरीदे वो देश, और इससे अमेरिका व्यापार में घाटा हो जाए। तो ये जो देश कर रहे हैं इसको रोकने बनाई थी मैनिपुलेशन लिस्ट उन्होंने यहाँ पर। इसके तीन कंडीशन होती है, सुन लीजिए काम की बातें, तीनों पॉइंट, तीन कंडीशन तय की गई हैं इसके लिए। तीन कंडीशन क्या है सुन लीजिए, यहाँ पर हिंदी में लिखा हो कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। इसका काम बताया, मैनिपुलेशन लिस्ट में शामिल क्यों किया गया था, कि अवमूल्यन कारण उस देश से होना निर्यात की लागत कम हो जाएगी। इंडिया का अवमूल्यन हो गया, 60, 70 या 80 रुपये हो गया हमारा डॉलर, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे अमेरिका को हम लोग, और इसके कहीं ना कहीं उसके घाटे में कमी आएगी, व्यापार घाटे में अमेरिका घाटा बढ़ जाएगा, अमेरिका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा इस केस में। ठीक है, कौन से देश शामिल होते हैं वो सुन लीजिए, तीन पॉइंट इसमें है, कम से कम तीन पॉइंट सुनिएगा। तीन शर्तें अमेरिका ने रखी, अगर कोई भी देश दो शर्त पूरी करता है तो उसका नाम आ जाएगा मैनिपुलेशन लिस्ट के अंदर। वो तीन शर्तें क्या क्या थी सुनिएगा आराम से, तीन शर्तें क्या क्या थी। पहली शर्त तो ये है, ओके, यदि उस देश को अमेरिका से $20 बिलियन का ट्रेड फायदा होता है, ट्रेड बेनिफिट होता है, यानी उस देश का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस कितना है, $20 अरब या उससे अधिक का है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भारत सामान बेचता है अमेरिका को $45 अरब का और अमेरिका से लेता है $22 अरब का, तो कितना फ़ायदा हो रहा है इंडिया को, 23 का फायदा हो रहा है, हमने 45 का निर्यात किया, 22 का आयात किया, 23 का फायदा हुआ हमको, तो 20 से ज़्यादा का फायदा है। पहली शर्त यह है, दो शर्तें और सुन लीजिए, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि उस देश को पिछले 12 महीने में GDP का 2% के बराबर चालू खाता अधिशेष मिला हो, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ हो more than 2% ऑफ GDP। क्या मतलब इसका, चालू खाता समझते हैं होता है, कुछ शब्द ये चालू खाता सुना शब्द इंडिया में कभी होता है, ये चालू खाता दिशे सुना है शब्द को आपने, करंट अकाउंट सरप्लस हमारे इंडिया में तो नहीं होता, हम जानते नहीं शब्द को, हमारा चालू खाता घाटा होता है हमेशा, जब भी होता है हमारे यहाँ तो अधिशेष नाम का शब्द नहीं जानते हम लोग, लेकिन दुनिया में कई देश हैं चाइना टाइप के जहाँ उनको होता है, ज़्यादा माल बेचा कम खरीदा तो चालू खाता अधिशेष होगा, करंट अकाउंट सरप्लस होगा उस देश के पास, और GDP का 2% के ऊपर है अगर, जैसे इंडिया का GDP $3,500 का है, 2% कितना हो गया $70 अरब, और भारत का चालू खाता अधिशेष $70 अरब से ऊपर का हो जाए
तो सेकंड शर्त पूरी हो जाएगी आपकी। तो इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए समझिए, थोड़ा समझ लेते हैं इस टॉपिक को। यदि इंडिया का करंट अकाउंट हमारा टोटल जीडीपी है इसका है, ठीक है, अब किसी देश से फायदा 20 अरब डॉलर का हो रहा है, किससे 30 का हो रहा है, किससे घाटा 10 का हो रहा है, किससे 20 का फायदा, किससे 20 का फायदा और फिर 30 का घाटा, और कुल मिलाकर यदि घाटा या फायदा मिलाकर 70 अरब से ऊपर का फायदा हो रहा है आपको, तो 2% है इसका, ये इसका 2% है ये, और 2% से ऊपर फायदा हो रहा है तो सेकंड शर्त पूरी होती है। हमारा घाटा होता है हर साल जीडीपी का कम से कम 2-3% घाटा होता है जीडीपी का हमको, तो हमको तो घाटा होता है हर साल करंट अकाउंट में, तो दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या वो देख लीजिए, तीसरी शर्त क्या है यहाँ पर, जब 12 महीने की अवधि में देश की जीडीपी कम से कम 2% विदेशी मुद्रा शुद्ध खरीदारी बार बार की जाती है, यानी फॉरेक्स आपका 2% बढ़ गया है, आपका पिछले 12 महीने में फॉरेक्स बढ़ चुका है 2%। फॉरेक्स समझते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, जो फॉरेक्स है 2% ऊपर बढ़ गया वो जीडीपी का। क्या मतलब है फॉरेक्स बढ़ना, मतलब जैसे इंडिया का फॉरेक्स लास्ट ईयर 580 अरब डॉलर था मान लीजिए एक साल पहले, और अब वो बढ़कर हो गया 700 अरब डॉलर, ठीक है, 120 बढ़ गया, मतलब एक साल के अंदर 120 बढ़ गया इसके ऊपर, कितना परसेंट बढ़ गया, ये तो 10-12% बढ़ गया, 10-20% बढ़ गया लगभग, लगभग मोटा मोटा 20% बढ़ गया ये तो सर, और 2% ऊपर बढ़ रहा है तो आपने तीसरी शर्त पूरी कर दी है। 580 से बढ़कर 600 भी हो गया मान लीजिए, तो 2% बढ़ गया अपने आप में, तो 600 भी हो गया मान लीजिए, तो माना जाएगा कि आपको फायदा हो रहा है। तो तीन शर्तें हैं, इनमें से कोई दो शर्त भी कोई देश पूरी करता है तो आ जाएगा वो करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट में। सुन मैं तीनों कंडीशन फिर सुन लीजिए एक बार, उसका अमेरिका के साथ घाटा, उसका फायदा उस देश का 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो, उस देश का करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का, करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का 2% से ज़्यादा हो, या उस देश का फॉरेक्स 2% बढ़ चुका हो एक साल के अंदर, तो भारतीय कौन शर्तें पूरी क्यों निश्चित तौर पर, पहला और थर्ड, सेकंड तो नहीं सकता माने कभी, तो फर्स्ट एंड थर्ड पूरी करते थे हम लोग, अमेरिका ने लिस्ट में डाल दिया था हमको, बहुत देशों डाल था अमेरिका ने, अब हम लोग से बाहर आ चुके हैं। क्वेश्चन जब आया था कि कहीं ना कहीं से होता क्या है, मैनिपुलेशन का मतलब है करेंसी, अमेरिका आपके माल पर टैक्स लगाना चालू कर देगा, अमेरिका माल नहीं खरीदेगा आपसे, टैक्स लगाना चालू कर देगा आपसे यहाँ पर वो, तो ट्रेड संरक्षण बात अपने आप में, शिकायत की जरूरतियों में, लेकिन अमेरिका ने बाहर नहीं किया, फिर खुद ही समय बाहर आ गए हम लोग, क्योंकि अमेरिका का ट्रेड बढ़ गया, हवाई जहाज खरीदे अमेरिका से हमने, ऑर्डर दिए, रोमियो हेलीकॉप्टर लिया, ये वो लिया, तो अमेरिका ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा हमसे, और ये शर्त खत्म हो गई, ठीक है, तो हम इससे बाहर आ गए इससे, वॉट एवर हो पाएगा, टॉपिक तैयार हमारा ये हो जाएगा, करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट का टॉपिक याद रखिएगा।